हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ऑडिटर्स लियन। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है समझना लियन का मतलब क्या होता है। एक बार लियन का मतलब क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम लोग ऑडिटर्स लियन के ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लियन का मतलब क्या होता है। लियन का मतलब होता है जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर लीगली कब्जा करता है ताकि वो अपना पेमेंट रिकवर कर सके, तो उसको लियन बोलते हैं। ये लिखा है, देखिए ध्यान से, लीगल क्लेम ऑफ वन पर्सन अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। अपने पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर करने के लिए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लियन। अब सवाल ये उठता है ऑडिटर्स लियन क्या होता है। तो आप एकदम इजी भाषा में समझे तो सवाल ये है कि क्या ऑडिटर क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कब्जा कर सकता है अगर उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब समझ लीजिए कि मैं एक क्लाइंट का ऑडिटर हूं और उस क्लाइंट ने मुझे पैसा नहीं दिया, रेम्यूनरेशन नहीं दी, मेरी फीस नहीं दी, तो क्या मैंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट की है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर मैं कब्जा कर सकता हूं अपने फीस को या अपनी रेम्यूनरेशन को रिसीव करने के लिए या रिकवर करने के लिए। तो सवाल ये है, अब जवाब समझते हैं क्या ऑडिटर्स लियन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, एक कंपनी अगर ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए बुलाती है और ऑडिटर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करता है और उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि लॉ ये बोलता है ऑडिटर उसी चीज के ऊपर कब्जा कर सकता है जिसके ऊपर उसका हक हो या जिसको उसने क्रिएट किया हो। अब ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया है, चेक किया है, उसको क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करने का काम था अकाउंटेंट का। और अभी आपने प्रोहिबिटेड सर्विस का अगर मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको समझाया कि कंपनी की केस में एक ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब एन ऑडिटर कैन नेवर बी एन अकाउंटेंट इन द कंपनी ऑफकोर्स। तो कहने का मतलब अगर मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं तो मैं ऑडिटर नहीं हो सकता और कंपनी का ऑडिटर हूं तो कंपनी का अकाउंटेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? इसलिए लॉ ये बोलता है कि ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लीन करने का हक नहीं होता इवन इफ वी डोंट गेट द रेम्यूनरेशन, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी होती है, कंपनी की होती है। लेकिन ऑफकोर्स ऑडिटर वर्किंग पेपर्स के ऊपर लीन कर सकता है, वर्किंग पेपर्स उसने खुद ने क्रिएट किए होते हैं, उसके ऊपर उसका पूरा हक होता है क्योंकि वो क्रिएटर है। अब ये जो पूरा रूल है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल है, फर्म पे या एक इंडिविजुअल क्लाइंट है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्लाइंट जो एक इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है और उसका ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो उसका अकाउंटेंट और ऑडिटर सेम हो सकता है। तो एक पर्सन या एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें ऑडिटर सिर्फ ऑडिट नहीं कर रहा है, अकाउंटेंट भी है, मतलब अकाउंटेंट की कैपेसिटी में भी काम कर रहा है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लियन कर सकता है अगर उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है तो। बस अब वही लिखा है, ध्यान से समझिएगा। समटाइम्स अ प्रॉब्लम अराइज वेदर द ऑडिटर हैज अ लियन ऑन द क्लाइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट ही हैज ऑडिटेड। सवाल ये उठता है कि क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर उसका लियन है या नहीं है। इट कैन बी सेड दैट इफ ही हैज वर्कड एज एन अकाउंटेंट, अगर उसने अकाउंटेंट जैसे काम किया है, देन ओनली ही हैज द पर्टिकुलर लियन, तो उसके पास लियन करने का हक होता है ऑन द अकाउंट्स बुक्स फॉर द फीस वर्किंग अपॉन देम, क्योंकि अगर उसको फीस नहीं मिली है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कब्जा कर सकता है अगर उसने अकाउंटेंट जैसे काम किया ऑडिटर के साथ साथ। बट ही हैज नो लियन ऑन द अकाउंट्स बुक्स दैट ही हैज ऑडिटेड एज एन ऑडिटर, लेकिन अगर उसने सिर्फ ऑडिट किया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लियन नहीं कर सकता है। प्रोफेसर डिक्सी भाई साहब ने भी यही बोला है, इट सीम्स प्रॉपर टू स्टेट दैट ऑडिटर एज सच हैज नो सच लियन, तो ऑडिटर के पास लियन नहीं होता है। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बात हो रही है क्योंकि कंपनी में ही ऑडिटर ऑडिटर जैसे काम करता है, अकाउंटेंट जैसे काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर क्लाइंट इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है तो वो अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों हो सकता है, तब वो लियन भी कर सकता है। तो यही चीज बर्ले वर्सेस इनग्रम क्लार्क लिमिटेड में भी हुई थी, यही प्रूव भी हुआ था। इट वॉज हेल्ड दैट इफ द नेचर ऑफ द वर्क डन बाय ऑडिटर इज नेचर ऑफ द अकाउंटेंट देन हियर द लियन,
ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कहने का मतलब अगर वो ऑडिटर के साथ साथ अकाउंटेंट जैसे भी काम कर रहा है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लियन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. मुझे उम्मीद है आपको ऑडिटर्स लियन का टॉपिक समझ में आया होगा. बहुत ही इजी सा टॉपिक था. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आ सके और उनको एग्जाम में लिखने में आसानी हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए. बाय.